लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए हम बेर सराय में। मुद्दे तो बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं, बाकी तो ये पार्टी बदल बदल के इधर से उधर। आप क्या पार्टी को वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? हम तो पार्टी के हिसाब से चलेंगे, जैसे पार्टी करेगी उसी के हिसाब से। कौन कर रहा है? वही बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? राम मंदिर बना दिया, कुछ है नहीं, लेना नहीं। पूनम की रसोई, बेरसराय की पूनम की रसोई में खड़े हैं हम। इस मार्केट में एक भी टॉयलेट नहीं है, एक ही टॉयलेट नहीं है। कितना कमा लेते हैं भैया? कितना? 10,000 मिल गया। 10,000 रुपया, उसमें किराया भी देना होता होगा, ये सब चीजें। चुनावी महासमर की यात्रा अब साउथ दिल्ली के बेरसराय पहुंच चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम है यश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रैप अप। इस वक्त हम बेरसराय में हैं, यहाँ साउथ दिल्ली की लोकसभा सीट लगती है। यहाँ से रमेश बिधूड़ी सांसद होते थे, लेकिन अभी उनका टिकट कट चुका है। अब रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। साथ ही आपने साही राम पहलवान को यहाँ से उतारा है, जो कि दो बार से विधायक रह चुके हैं। वे 2015 से पहले बसपा के नेता हुआ करते थे, अब वो आप में हैं और आपसे यहाँ की सांसदी का टिकट उनको मिला है, यहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। आज हम लोगों से ये जानेंगे कि वो वोट देने यहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं अपने घर, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादातर JNU के छात्र और कुछ अन्य प्रवासी लोग रहते हैं। यह एरिया ज़्यादातर स्टूडेंट का एरिया माना जाता है। हम यहाँ पे लोगों से, यहाँ के लोकल से भी जानेंगे, कुछ लोकल से भी, कुछ स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि वो इस चुनाव में वोट देने जाएंगे या नहीं, उन्हें चुनाव की कितना पता है कि हमारा कैंडिडेट कौन है। लोकसभा चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए हम बेरसराय में हैं, यहाँ के कुछ व्यापारी हैं, इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम है शिवा गौतम। शिवा गौतम जी हमारे साथ। शिवा गौतम जी, आपकी जो सीट है दक्षिणी दिल्ली, इसे कौन प्रत्याशी इस बार उतार रहे हैं, आपको पता है? रामवीर सिंह भिदौरी। रामवीर सिंह भिदौरी। और विपक्ष में? विपक्ष में साही राम पहलवान। साही राम पहलवान के बारे में आपको पता होगा कि 2015 तक वो बसपा में रहे और उसके बाद दो बार आपसे उन्होंने आपसे विधायक रहे तुगलकाबाद सीट से। अब उनको आपने उन पर भरोसा जताया है, तो आप इस बार, आपके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर आप अपना प्रत्याशी चुनेंगे? मुद्दे तो बेरोजगारी है, महंगाई है, यही सब मुद्दे हैं, बाकी तो ये पार्टी बदल बदल के इधर से उधर। प्रत्याशी को क्या देखे, दिखाए इनको क्या देखना है? तो मतलब आपका मानना ये है कि आप पार्टी को वोट दे रहे हैं, न कि प्रत्याशी को? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी को वोट देंगे, प्रत्याशी भी अच्छे हो, लेकिन वही पुराने घिसे पिटे चेहरे घूम फिर के वही आना है उनको। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा होता है कि आप अपने प्रत्याशी को वोट देते हैं, प्रत्याशी चुनकर सरकार बनाता है, मतलब ऐसे कैसे आप पार्टी? प्रत्याशी को क्या वोट देंगे, वो दल बदल के कोई इधर से उधर आ जाते हैं, उधर से इधर घूम रहे हैं, उनको क्या देखना उनका? सिस्टम ऐसा बना दिया, वोट देने का तरीका वो बदल गया ना, पहले होता था। व्यापारियों के रूप में आपके प्रमुख मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दे क्या है? GST वगैरह जो भरना पड़ रहा है सारा, ये भी बड़ा एक मुद्दा ही है। हर महीने उनको निकालो बिल, इधर से उधर करो, बहुत भारी दिक्कत है वो। GST के बारे में सरकार ऐसे बोलती है कि 17 टैक्स हुआ करते थे, सबको मिला के एक टैक्स कर दिया, व्यापारियों को सुविधा दे दी है। सुविधा कुछ नहीं, हमारी जान की आफत है, हमें पता कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। बहुत भारी हमारे जबरदस्ती वाला थोपा गया है। आपका वोट यहीं पे है? हाँ, मेरा यहीं पर है। वोट देने जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। मतलब आपको चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पता हो? गाइडलाइंस नहीं बोलूंगा, मतलब उन्होंने कैंपेन करी है कि वोट देना चाहिए। वोट 18 साल से वोट देगा, 45 साल से वोट, 8 साल देते हैं और बढ़ चढ़ के देंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी गौतम जी, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं यहाँ की? और समस्या है तो GST वाला जो बता रहे हैं भैया, वो पहले 3 नंबर चलता था, तो उसमें 5% टैक्स का हिसाब किताब था। तो अभी जो है इन्होंने चीजें बिना देखे भाई, किसी में 18% टैक्स कर दिया, किसी में 28 कर दिया, तो अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप क्या पार्टी को वोट दे रहे हैं या प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं? हम तो पार्टी के हिसाब से चलेंगे, जैसे पार्टी करेगी उसी के हिसाब से। क्या लगता है कौन बेहतर कर रहा है आपके यहाँ? भाई हमारे यहाँ पर तो वैसे आम आदमी पार्टी ने काम अच्छा करा है, जो कि स्कूल में काम करा है और अपना हॉस्पिटल का काम अच्छा करा है। दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके अभी तक सांसद रमेश भिदौड़ी जी रहे, आपने देखा कि लोकसभा में उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले। वो तो बेकार आदमी, उसको तो तमीज नहीं बात करने की, अनपढ़ लोगों को भर्ती कर लिया तो ऐसी बातें करेंगे। अच्छा, ये जैसे रामवीर सिंह भिदौड़ी है, भिदौड़ी भिदौड़ी कनेक्शन कुछ समझ में आता है क्या आपको? ना ना, हम थोड़ा सा दूरी रहते हैं भिदौड़ियों से, जो कोई चक्कर नहीं हमारा। ये भिदौड़ियों से दूर रहने का कोई जरूरी कारण? ना ना कुछ नहीं, हम तो काम में अपना ध्यान देते हैं, बाकी और कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे पहलवान जी को उतारा है यहाँ पे, तो पहलवान जी के बारे में आपको पता है?
आपको अपने जो प्रत्याशी हैं उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री, उनके उन्होंने कितना पैसा कमाया, उनके पास कितनी संपत्ति है, इनकी सबकी जानकारी? ये जानकारी तो ईडी वालों के पास होगी, हम क्या करेंगे उसका? ईडी वालों के पास तो होगी ही होगी, साथ में इलेक्शन कमीशन सारी जानकारियों को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? हां जानते हैं, ऐप आया हुआ, ऐप भी मैंने डाउनलोड किया हुआ, लेकिन इतना ज्यादा वो सब सोचने का, इन सब चीजों को देखने का टाइम और मुद्दे है नहीं। जो इसका चुनाव का जो है ना, वो नजरिया बदल दिया उन्होंने, हिंदू मुसलमान और ये सब करके दल बदलों को टिकट दे के वो सारा सत्यानाश हो गया है, पहले वाली चीज रही नहीं, वो पढ़ने और देखने का सोचने का टाइम ही नहीं है। अब कौन देखेगा, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? वही बीजेपी वाले ही कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? राम मंदिर बना दिया, कुछ है नहीं, लेना नहीं देना नहीं। आजकल देखा गया है कि सत्ता की जो सुई है वो उसी तरफ जा रही है जिस तरफ बीजेपी कर रही है, मतलब विपक्षी पार्टियां भी वही करने लगी हैं जो वो पहले करते थे, कोई मंदिर जा रहा था, कोई मस्जिद जा रहा था। विपक्ष वालों, हमने तो कभी कहा इतना बुरा हाल तो कभी भी नहीं देखा। अच्छा, हमारी भी एज 45 प्लस हो गया, हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जो आप देख रहे हैं टाइम और ये सिचुएशन। क्या कारण हो सकते हैं इसके? अब उनका अपना तरीका है राजनीति, उनकी समझ है, वो सोच समझ। बेरसराय में हमने देखा कि बहुत सारे वेंडर्स हैं यहाँ पे, मतलब मैं अवैध दुकानें तो नहीं कहूंगा, मैंने अभी इसकी जांच नहीं करी है, उनको इनको कई सारी समस्याएं होती हैं, आप समझ सकते हैं मैं किस बारे में बोल रहा हूँ, और ट्रांसपोर्ट की समस्या है, सफाई की समस्या है अंदर पत्ती गलियों में। तो आप अपने जो होने वाले सांसद होंगे उन दो में से कोई भी या फिर और भी कोई होगा, तो उनसे क्या आशाएं रखते हैं और अपने लिए क्या? सांसद का तो एरिया बहुत बड़ा है, सांसद हमारे गाँव में 2,500-3,000 वोट है, यहाँ तो आता भी नहीं है, वो प्रचार करने भी नहीं आ रहा, एमसीडी का काम है, एमसीडी कर रही है, एमसीडी से कोई दिक्कत है नहीं जी, वो तो एमसीडी वाले हैं, एमसीडी वाले करते हैं, उसमें साफ सफाई की और व्यवस्था, इनसे कोई हमें दिक्कत नहीं। अच्छा, लोकल इशू कुछ नहीं। जैसा कि आपने जाना कि हाँ हमने दो व्यापारियों से बात करी है, बेरसराय में अपनी कोई निजी बिजनेस करते हैं, हम अब कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। दुकान का नाम क्या है? बोल गया हूँ, दुकान का नाम क्या? पूनम की रसोई। पूनम की रसोई, बेरसराय की पूनम की रसोई में खड़े हैं हम, और ये मैं खुद काफी दिनों से देख रहा हूँ कि ये रसोई इतनी फेमस है कि आईएमसी में आने वाले बच्चे और अन्य इंस्टीट्यूट में आने वाले बच्चे कुछ महीनों दूसरे जगहों पर खाना खाने के बाद लौट कर यहीं आ जाते हैं, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या नाम है भैया आपका? अरे बैठ जाइए, बैठिए, कितनी अच्छी कटोरियां रखी हैं आपने, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये सजाने का कोई जरूरी कारण है? नहीं, बच्चों के टिफिन जाने हैं हॉस्टल में। बच्चों के टिफिन जा रहे हैं हॉस्टल में। क्या नाम है आपका? मदन। मदन कहाँ के रहने वाले हैं? मदन जी दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं? तो आपका वोट भी दिल्ली में ही हुआ, जाहिर सी बात है, वोट कर रहे हैं इस बार। हाँ, क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे हमारे तो अभी कुछ ऐसे खास नहीं है। अच्छा, कुछ तो मुद्दे रहे होंगे आपके, आप यहाँ का प्रत्याशी आपको पता है कौन कौन उतारा है? भाजपा ने कैसे उतारा है? इंडिया में गठबंधन ने कैसे उतारा है? एक्चुअली मैं रहता द्वारका हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे आपसे महाबल मिश्रा है। अच्छा, और बीजेपी से कैंडिडेट मुझे पता नहीं जी। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो उसके पीछे का कोई मतलब क्या, उसमें ऐसा क्या करते हैं कि मतलब ऐसा जादू सा हो जाता है, क्या इसके पीछे का कोई मैजिक है, कुछ बताइए हमारे पास? नहीं नहीं नहीं, कुछ मैजिक नहीं है, बस हमारी यही कोशिश है कि हम बच्चों को घर का खाना खिलाएं, उन्हें घर की याद लाएं जी, हमारा यही मोटिव है। जैसे आप यहाँ पे व्यापारी हैं, व्यापारी के रूप में आप कुछ चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ यहाँ की बेरसराय की प्रमुख समस्याएं क्या है? बेरसराय की इस मार्केट में एक भी टॉयलेट नहीं है। एक भी टॉयलेट नहीं है? जैसा कि आपने सुना कि इस मार्केट में एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है, लेकिन आप समझिए कि किसी को अगर लघु शंका जानी हो या दीर्घ शंका जानी हो तो उसके पास कोई टॉयलेट नहीं है, व्यापारी है, तो आप किस तरह से मतलब कैसे मैनेज करते हैं ये सब चीजों? इसके लिए तो मैं बहुत मतलब पूरा पूरा दिन अपने आप को संभालना पड़ता है। कितना भयानक हो सकता है ये सुनने में, इतना अजीब लग रहा है मतलब। तो यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे कभी आपने इस चीज को लेके आप लोगों ने शिकायत नहीं करी? आपका एक व्यापारी संघ भी होगा यहाँ पे, कोई इतना तो टाइम मिला नहीं है हमें, क्योंकि हम इसी में काम में इतने बिजी होते हैं कि टाइम तो मिलता नहीं है। समस्या है
अंदर अंदर कुछ लोगों से बात करते हैं, अगर तैयार हो जाए देखते हैं। जूते उतार दो भाई, जूते उतार दो, गंदगी नहीं करेंगे यहाँ पे, ऐसा जरूरी है। एक पतली सी रसोई है, आपने देखा ये रसोई में खाना बनता है बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रेस्टोरेंट में। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? ये हम यूपी। यूपी में कहाँ से? यूपी एटा। अरे एटा आप तुम्हारे पड़ोसी हैं, हम एटा के हैं। एटा के हैं, तो मतलब वो लहजे में पता चल जाता है एटा से। तो यहाँ पे आपको कहाँ रहते हैं आप? हम ये पीछे ही रहते हैं यहाँ पे। कितना कमा लेते हैं भैया? कितना? 10,000। 10,000 रुपया, उसमें किराया भी देना होगा, सब चीजें। वोट तो आपका एटा का ही होगा? जी जी हाँ, एटा का ही हमारा। तो वोट देने जा रहे हैं? जा रहे हैं बिल्कुल। पक्का? पक्का जाते हैं, कसम से? कसम से जाते हैं। फिर ठीक है। तो क्यों लगता है आपको, क्यों वोट करना जरूरी है? करना बिल्कुल जरूरी है। मतलब क्यों लगता है आपको ऐसा कि वोट करना क्यों जरूरी है? आप एक नागरिक के तौर पर क्यों इतना जरूरी है कि आपको अपना वोट देने, आप यहाँ से अपना पैसा खर्च करके वहाँ जाएंगे, वोट देंगे और वापस आएंगे, तो प्रत्याशी आप चाहेंगे वो जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो बात की बातें हैं, तो क्यों लगता है आपको इतना वोट देना जरूरी है? जरूरी ये मतलब वहाँ पर काम बढ़िया हो हमारे पास, हमारे क्षेत्र में। हमारा तो तहसील जसराना पड़ता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, हमारा वहाँ तो पहले से ही एस्टेब्लिश पूरा मार्केट है चूड़ियों का, वहाँ पे पहले से काम है, धंधा है। फिर आप पलायन करके दिल्ली आने का क्या कारण है? दिल्ली हमको सही लगता है यहाँ पे, वहाँ काम नहीं मिला आपको? नहीं, काम वहाँ नहीं मिला हमको, सही मिला। ढूंढा था आपने काम? ढूंढा था वहाँ पे काम? ढूंढा था, मिला नहीं। मिला नहीं। कई समस्याएं हैं लोगों की, काम नहीं मिल रहे इसलिए प्रवासी हो गए, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। भैया थोड़ा बात ही करेंगे, बोले। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन अधिकारी। क्या? सुमन अधिकारी। सुमन अधिकारी कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा के। नेपाल। नेपाल। अच्छा, नेपाल से। तो नेपाल से यहाँ पे कितने साल हो गए आए? यहाँ पे आया अभी एक साल होने वाला है। इस रसोई में आप क्या नेपाली खाना बनाते हैं? मैं इंडियन खाना बनाता हूँ। इंडियन खाना भी बना लेते हैं? वही बनाते हैं। बढ़िया, तो आपके हाथों में जादू है, इतना अच्छा खाना बनाते हैं, कहाँ से ये सब सीखा आपने? बहुत जगह काम करके आया, वहीं सीखा, बम्बई सीखा। अरे एक बात बताइए, नेपाल में केपी शर्मा ओली जब तक रहे तब तक थोड़ा दोस्ती वाली माहौल रहा भारत उनके साथ में, फिर अब जब से प्रचंड है ये जो कमल दहल प्रचंड ये जब से हुए हैं तब से देखा गया कि भारत और पाकिस्तान, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, भारत और नेपाल के रिश्तों में थोड़ी तलखी देखने को मिली। क्या लगता है आपको इसके पीछे के क्या कारण है, मतलब कैसे हैं आपके यहाँ के नेता? नेता सारे खराब है वहाँ के, कोई अच्छे नहीं। जब चुनाव हुआ था आप नेपाल गए थे वोट देने? जी गया था। इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे है प्रद्युम्न और मैं यश अवस्थी। नहीं।